चंदिका राजपूत। हाँ अभी अब एक राउंड जीती हूँ, अभी क्वार्टर फाइनल्स है 14 का, अंडर 14 का क्वार्टर फाइनल्स है और अंडर 18 अभी खेलना है। अभी अंडर 14 नेशनल्स का ही एम कर रही हूँ और इसके पहले भी अंडर 12 नेशनल्स 3 बार खेली हूँ और 14 नेशनल्स 2 बार। अंडर 12 में ऑल इंडिया में 6th रैंक पे थी और अभी अंडर 14 में मैंने स्टार्ट किया है तो मैं 156 हूँ। मैं देना चाहूँगी कि अगर आप हारते हो फिर भी आपको गेम कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सपीरियंस आता है और एक टाइम पे आप जीतोगे। प्रियंका सुतार, अभी मैं अंडर 18 खेलूंगी, अभी मेरा 1 बजे मैच बोला है उन लोगों ने, स्टेट टेनिस चैंपियनशिप होना चाहिए क्योंकि प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस भी आता है कि मैचेस कैसे होते हैं और अपोनेंट्स कैसे हैं, उनका लेवल भी पता चलता है उन्हें। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत पारदे है, मैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं स्टेयर्स के लिए स्टेट हेड का ये देखता हूँ। एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का टूर्नामेंट है जो कि स्टेयर्स ऑर्गेनाइज बाय स्टेयर्स, स्टेयर्स का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स रिकग्निशन एंड इंक्लूजन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो वो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे जो खेल रहे हैं उनको पूरे नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे एक रिप्रेजेंटेशन मिले और स्पोर्ट्स का जितना ज़्यादा हम प्रसार कर सकते हैं या स्पोर्ट्स को हम जितना ऊपर ले जा सकते हैं वो हमारा मकसद है। अभी टोटल एंट्रीज 120 to 130 हो चुकी है, उसमें अंडर 10, अंडर 12, अंडर 14 और अंडर 18 के बॉयज़ एंड गर्ल्स है। अभी तक टोटल 20-25 तो मैचेस हो चुके हैं बट अभी आज बहुत से मैचेस होने वाले हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल इंक्लूड है। अभी जो चल रहा है वो क्वार्टर फाइनल ही चल रहा है, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल और फाइनल भी आज ही होने वाले हैं। या हम इन बच्चों को ट्रॉफीज और मेडल्स देने वाले हैं जो कि उनका प्रोत्साहन बनाए रखे और ये जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हो गए आगे जाके खेलेंगे स्टेट लेवल पर। प्राइजेस यहाँ के गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन रहने वाला है बच्चों को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर एंड यूथ अफेयर्स के रिकग्निशन के अंदर। अभी जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनाइज करने के लिए मैन पावर चाहिए रहता है, इकोनॉमी मतलब पैसा भी चाहिए रहता है। तो मैं सबको एक आह्वान करूंगा कि जैसे ये टूर्नामेंट के लिए हम स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं, अगर बच्चा अच्छे से खेलेगा तो स्कूल में भी अच्छे से परफॉर्म करेगा और स्टडी में भी अच्छे से परफॉर्म करेगा, जो डेली दिन में जो स्ट्रेस आता है वो कूप अप करने का भी ताकत आता है जो स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चों में होता है। तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगा कि सब अपने बच्चों के लिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए उनको प्रमोट करें और हम जैसे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करिए जो कि हम प्रमोट करेंगे तो आगे जाके बच्चा देश का भविष्य उज्जवल कर सकेगा। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो रिकग्निशन मिलता है पर ऐसा फंडिंग ऐसा कुछ नहीं है, ये फंडिंग हम खुद मैनेज कर रहे हैं। दीपा एंगड़े, टोटल सिंगल्स और डबल्स मिला के 120 एंट्रीज है, ये 10 साल अंडर 10 टू अंडर 18 ऐसे 4 कैटेगरीज में ले रहे हम लोग, अंडर 10, 12, 14 एंड 18 गर्ल्स एंड बॉयज। हाँ सिंगल्स डबल्स सर, हमने वी हैव स्पॉन्सर्स, जैसे उन्होंने हमको स्ट्रिंगिंग्स वगैरह दिए हैं, बच्चों को गिफ्ट्स दे रहे हैं, ट्रॉफीज एक हैं, मेडल्स हैं, सर्टिफिकेशन है और हमने गिफ्ट पार्सल्स रखे हैं बच्चों के लिए। हाँ अभी फ़ायदा मतलब उनको इनक्रेजमेंट मिलता है उस कि बाबा व्हेन वी प्ले अ टूर्नामेंट, और बेसिकली उनके बच्चे ज़्यादातर खेलते हैं उनको सर्टिफिकेशन मिलता है आगे जाने का, जैसे यूथ मिनिस्ट्री का है तो आपको स्कूल में है या आगे चल के जो भी आप कोई भी कोर्सेज के लिए एडमिशन वगैरह लगते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन है तो इट्स रियली वैल्यूएबल। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहिए, जितना ऑर्गेनाइज करेंगे उतना ही बच्चों को एक्सपोजर मिलता रहता है। हम लोग बहुत सारे जन करते नहीं, इवन हम लोग भी अभी उसके सोच रहे हैं कि डेली लाइक हर एक एवरी क्वार्टरली हमने टूर्नामेंट्स लेना चाहिए क्योंकि उससे ही बच्चों को एक्सपोजर मिलता है, प्रैक्टिस मिलती है और वो आगे और जाके परफॉर्म कर सकते हैं स्टेट नेशनल्स पे। तो ऑर्गेनाइजर्स जो भी है कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट्स टू सपोर्ट ऑल द किड्स। मेरा नाम अनुज संदीप देशमुख है, मैं 2 मैचेस खेला और क्वार्टर फाइनल्स हार गया तो बहुत मज़ा आई खेलने में। आज मुझे बहुत अच्छा हो रहा है फील, क्या का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे खेलने में जो मज़ा है वो बाकी कहीं पे नहीं। हाँ ऐसे बहुत होने चाहिए क्योंकि जब तक मेरे ऐसे बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं मिलता तब तक उनको पता नहीं चलेगा कि रियल मैचेस में क्या होता है और हमको कैसा खेलना चाहिए। आज मुझे सीखने को मिला कि फास्ट शॉट्स मारने से बेहतर है कि प्लेसिंग करना, उसको आगे पीछे भगाना कैसा। संदीप देशमुख, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि एक तो बेटा क्वार्टर तक पहुँच गया था सो ही प्लेड वेल, और सेकंड थिंग अरेंजमेंट्स और जो एटमॉस्फियर है यहाँ का दैट इज़ रियली मतलब सपोर्टिव है बच्चों को खेलने के लिए। सो ऑल इन ऑल हैप्पी।
जी, सबसे पहले तो मैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, सर को, दीपा मैडम को, प्रवीण सर को, कि जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। और मैं उनको ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि एवरी क्वार्टर दे शुड टेक सच इज टूर्नामेंट्स, और इससे क्या होगा कि एक बढ़ावा मिलेगा बच्चों को। सो आई मीन दिस इज़ अ रियली नाइस एक्टिविटी, दे शुड डू इट रेगुलरली।